नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई के बारे में, फ्लाइटों के बारे में। जी हाँ भाई, वैसे क्वारंटाइन चार्ज वगैरह, अप्रूवल, आईसी अप्रूवल या फिर वैक्सीन से रिलेटेड पूरी हम डिटेल से बात करेंगे कि आपको अगर आप यूएई जा रहे हैं या फिर क्या स्थिति है फ्लाइटों के बारे में या फिर क्या वर्क परमिट वीज़ा, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे भाई। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको वीज़ा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ भाई, देखिए दुबई की फ़्लाइटें 5 अगस्त से फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई थी। जितनी मतलब खुशी हुई थी ना, वो धीरे धीरे 6 अगस्त लास्ट तक शाम तक वो धीरे धीरे डाउन होने लग गई, क्योंकि 5 अगस्त को घोषणा हुई कि भाई इन 5 देशों के लिए वीजे की फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई हैं। तो पूरी दुनिया खुश हो गई जो वीजे जाना चाहते थे। घंटे दो घंटे बाद पता लगा कि वर्क परमिट वीज़ा वाले, आल जितने भी प्रकार के वीज़ा वाले हैं वो सब जा सकते हैं। फिर थोड़ी खुशी डाउन हो गई क्योंकि वर्क परमिट के अलावा लोग थे वो खुश नहीं थे। फिर धीरे धीरे पता लगा रात को 8-9 बजे तक भी इनमें भी वही लोग आ पाएंगे जिनकी वैक्सीन यूएई में दुबई में लगी है, तो उनमें भी आधी खुशी हो गई। यानी बच बचा के अगर 100 लोग जाने वाले थे उसमें से कितने बचे, 20% लोग ही जाने वाले बचे, बाकी 80% के लोगों के ऊपर मायूसी अभी छा गई। जी हाँ, इसमें भी ये जो 20% जाने वाले हैं उसमें भी डंडा लगा रखी है सरकार ने, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं भाई। जी हाँ, पहली बात तो ये कि रैपिड टेस्ट आता है। रैपिड टेस्ट एक ऐसी है कि एयरपोर्ट पे होता है, जैसे आप इंडिया से जा रहे हैं दिल्ली पे, तो जाने से 2 से 3 घंटे पहले होगा। तो इंडिया में तो ये व्यवस्था पिछले 2-3 महीने से चल रही थी, तो इंडियन तो तैयार थी। 4-5 जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं सब जगह ये व्यवस्था है। जैसे इधर अपने की बात करें स्टेटों की, तो दिल्ली में है, बाकी चेन्नई, कोलकाता, बॉम्बे इस तरह से है, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान के क्या हालात हैं भाई? पाकिस्तान के पास रैपिड टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तानी लोग कैसे जा पाएंगे? और रैपिड टेस्ट अनिवार्य कर रखा है, उसकी रिपोर्ट नहीं होगी तो फ्लाइटें उनको अलाउ नहीं करती हैं, वो उनकी बोर्डिंग पास ही नहीं मिल रहा है। सब कुछ बेचारे टिकट बना के बैठे हैं, सब कुछ करवा लिया, लेकिन रैपिड टेस्ट करवाना तो सरकार की जिम्मेदारी होती है एयरपोर्ट पे, या एयरपोर्ट अथॉरिटी करे वो व्यवस्था। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है वहां पर यह व्यवस्था आज तक की डेट में नहीं है भाई, तो पाकिस्तानी लोग नहीं जा सकते, ये बात तय है। जी हाँ, इंडिया में ठीक है 5-6 स्टेटों में ये, हालांकि ये पहले से मैटर उछला था रैपिड टेस्ट वाला, तो यही सरकार ने पहले ऑप्शन दे दिया था। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसमें लापरवाही बरती है, उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया, वो उनकी गलती है, जाने वाले लोगों की तो नहीं है गलती बेचारे, वो तो अब खराब हो जाएंगे ना, कैसे जाएंगे रैपिड टेस्ट के अलावा, वो के बिना अगर एयरपोर्ट उनको रिसीव फ्लाइट रिसीव कर लेती है तो उनके ऊपर फाइन आ जाएगा, फिर दुबई सरकार उनके ऊपर डंडा लगा देगी, तो दिक्कत है ना फिर। तो रैपिड टेस्ट वगैरह सब ये तो आपको डॉक्यूमेंट तो सब लेने ही लेने हैं। इनके साथ में अगर आप मान लीजिए रसल खेमा या फिर आबू धाबी जाते हैं इंडिया से या किसी भी देश से आप जाते हैं, तो 10 दिन आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये तामझाम पूरा कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आपको एक बैंड देंगे भाई, रिस्ट बैंड आपको, ठीक है ना, हाथ के बांधने के लिए वो देंगे, वो लोकेशन ट्रेस होगा। ये नहीं कि 10 दिन के बाहर के पहले आप बाहर घूम रहे हैं, आपको लोकेशन ट्रेस करके पकड़ा जा सकता है। तो ये रसल खेमा आबू धाबी वालों के लिए है। जी हाँ, बाकी आपको बता दूँ 4 से 6 दिन के अंदर आपका फिर वहाँ पर कोरोना टेस्ट होगा। यार आप सोच ले, दिमाग ख़राब होता है, इतनी सारी कंडीशन लगाने के बाद में ताले पे ताले, पहले तो इंडिया में ताला लगा दिया, यहाँ से आप खोल खाल के मुश्किल से पहुँचते हो, वहाँ जाते फिर 10 दिन का ताला क्वारंटाइन का, उसमें भी 4 से 6 दिन के अंदर आपके कोरोना के टेस्ट और होंगे। अब बताओ जी, उसमें बाई चांस सिम्टम आ गए तो फिर लंबे टाइम के लिए आप अंदर बैठे रहो। हाँ, दुबई शारजा पर जाते हो तो कोई चक्कर नहीं है भाई। आप अगर रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर आप दुबई जा रहे हैं, वी जा रहे हैं, तो आप दुबई होके शारजा होके ही जाएं, वरना फिर आपको 10 दिन होम क्वारंटाइन का दोबारा टेस्ट वगैरह रिस्ट वास्ट ये डिवाइस देना, वरना मतलब पंगे वाली बात है भाई। दुबई और शारजा जाओगे तो आपके साथ ये प्रोसेस नहीं होगा जो मैंने ऊपर बताया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, अब GDRF है, ICA अप्रूवल, ये भी एक पंगा है भाई, ये भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप दुबई जाते हैं तो GDRF का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, बाकी आप अलग अलग स्टेट हैं जैसे आबू धाबी, रसल खेमा या शारजा जाते हैं तो आपको ICA का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको कंप्लीट भरना पड़ेगा। आपको किस तरह से आप भरते हो या किसी से भरवाते हो वो आप पे डिपेंड करेगा भाई। देखिए, सीधा पंडा ये है कि आप अपने मोबाइल से झंझट करोगे तो 150-200 दे के आप जो टिकट बनाते हैं ना उस पर मत जाना आप, जो गवर्नमेंट का होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, रोजगार सेंटर है, ई मित्र है, उन पर मत जाना, उनको नहीं पता। आज जो लोग टिकट बनाते हैं दुबई का उनको पता है ICA अप्रूवल वगैरह, तो आप उनके जहाँ से आपको फिक्स है माइंड में यार टिकट भी तो बनाओगे तो आपको कोई ना कोई एजेंट ढूंढना पड़ेगा, तो उसी के पास ये अप्रूवल भरवा लो। जैसे आप दुबई जा रहे हैं तो GDRF का भरवा लो, बाकी आप दुबई के अलावा किसी भी स्टेट में जा रहे हैं तो आपको ICA का अप्रूवल भरवा लेना चाहिए, उन्हीं से आप सबमिट करवा दो ताकि आपको झंझट ही नहीं रहेगा। जी हाँ,
हालांकि काफ़ी सारे लोग बनाते हैं ऐसे भर लो ऐसे भर लो, भाई मेरे तो ये बड़े समझ की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें अनपढ़ होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे लोगों को गूगल चलाना ही नहीं आता, बहुत सारे कम लोग हैं 5-7% लोग हैं जो ये अप्रूवल खुद भर सकते हैं, बाकी नहीं भरा जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो आप उनसे भराओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, टिकट की बात कर लें भाई, तो टिकट तो देखिए भाई दुबई का अभी स्टार्ट हुई है तो फ्लाइटें एक तरह से बूम चल रहा है, यानी भीड़ ज़्यादा है, फ्लाइटें कम है, तो एक एक्सटेंड फ्लाइटों का जो प्राइस है ना वो एक्सटेंड हो गया, अचानक से बढ़ गया, एक समझ सकते हैं 3-4 गुना फ्लाइटों की रेट आ रही है, समझ गए बात को। तो अगर आप दुबई अभी आपके वीज़ा में टाइम है, आपको पता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता, भी सरकार ने ऑफर दे दिया, आप सोचोगे यार क्या पता जल्दी से चला जाऊं वरना ये सिस्टम क्लोज ना हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, इनको अगर सरकार ने इजाज़त दी है तो ये बंद नहीं होगा, समझ गए बात को। तो आप थोड़ा वेट करिए, जैसे आज 7 अगस्त हैं, तो आप अगर 15 बाद में टिकट बनाते हो तो वही टिकट आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, अगर आप इंस्टेंट में तुरंत टिकट बनाते हो तो महंगी पड़ेगी। तो टिकटों का थोड़ा जोड़ तोड़ करके भाव करके आप जिसके जिससे टिकट बनवाते हो, लगभग तो यार ये होता है कि जो जानकारी होते हैं, जैसे आप अपने ज़िले में हो अपने तहसील में हो तो लगभग आप टिकट जानकार से बनवाते हो, तो उनको बोल देना भाई टिकट कब की सस्ती आ रही है, उसी के हिसाब से आप टिकट का फेयर देख के टिकट बनवाएं। जी हाँ, वीज़ा की बात करें तो भाई वीज़ा की तो क्या ही बात करें, आप बात नहीं करनी है वही अच्छी बात है। सिर्फ आपको बताया जो लोग वैलिड वीज़ा हैं 6 मंथ का, जिन्होंने 2 वैक्सीन दुबई में लगा के आई, वही लोग जा सकते हैं, बाकी विजिट वीज़ा आज भी मिल रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, विजिट वीज़ा दुबई सरकार आज भी दे रही है, आप क्यों दे रही है ये बात को आपको समझना पड़ेगा। फ्लाइटें बंद करके बैठी है और वीज़ा दे रही है, इसका मतलब चूतिया बना के लोगों को पैसा कमाने का उनका तरीका है और कुछ नहीं है। और पागल लोग ऐसे होते हैं कि आराम से वीज़ा लेते हैं, 15-20 हज़ार का वीज़ा आता होगा वो पैसा चला जाता है, क्योंकि वी सरकार ने एक बार भी 1.5 साल के दौरान ये नहीं बोला कि भाई जिन्होंने वीज़ा लिया है फ्लाइटें बंद होने की वजह से जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हम उनको रिन्यू कर देते हैं या उसी वीज़ा में आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी नहीं बोला, आगे बोलेगी भी नहीं, ये बात मेरे से लिखवा के ले लेना, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ ये बातें। वीज़ा बंद होने के फ्लाइटें बंद होने के बावजूद सरकार वीज़ा दे रही है तो इसमें चालाकी तो है ना, पैसा तो कमा ही रही है ना, 16 कंट्री हैं भाई, 16 कंट्रियों में से रोज़ के कितने वीज़े निकलते होंगे, 1,500 वीज़े मेरे हिसाब से रोज़ निकल रहे होंगे, और अच्छा पैसा एक वीज़ा का वो कितना पैसा कमाती है, 500-600 दराम 3 मंथ वाले का कमाती होगी, आधा पैसा 300-350 दराम उस वीज़ा 1 महीने वाले का कमाती होगी, तो पैसा तो कमाई रहे, पूरा पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है और बंदा बैठा है इंडिया में, ये स्थिति है। तो वीज़ा बिल्कुल ले लें, टिकट भी आप बिल्कुल ले लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई। देखिए फंडा देखिए, पहले आपको पता है जब 24 अप्रैल को फ्लाइटें बंद हुई थी एक बार स्टॉप कर दिया पूरा, उसके बाद में ये बोला कि भाई जो गोल्डन वीज़ा हैं वो आ सकते हैं, उसके थोड़े दिन बाद में बोला जो सिल्वर वीज़ा वाले हैं 5 साल के वीज़ा वाले वो आ सकते हैं, उनके बाद में कोई अपडेट नहीं, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने निकल गए, कोई अपडेट नहीं आया। अब जाके ये अपडेट आया है बता दूं 5 अगस्त को कि भाई जिन्होंने दुबई में वैक्सीन लगवाई है वो वर्क परमिट वाले आ सकते हैं। अभी अगर कोई अपडेट आता है जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो अपडेट तो ये आएगा भाई जिन्होंने जिनके पास वैलिड वर्क परमिट वीज़ा है वो सब लोग दुबई आ सकते हैं। विजिट वीज़ा वालों का तो नंबर कब आएगा, हालांकि विजिट वीज़ा स्टार्ट होगा नो डाउट, क्योंकि अक्टूबर में एक्सपो आ रहा है 2020 नो डाउट, तो उसके लिए वीज़ा तो स्टार्ट होगा, लेकिन अभी आप वीज़ा लेके बैठ जाओगे तो वो वीज़ा आते आते एक्सपायर हो सकता है, तो इस बातों का आपको ध्यान में रखते हुए वीज़ा बिल्कुल नहीं लेना है। 2 दिन में वीज़ा निकल जाता है, सिर्फ 2 दिन में, तो वीज़ा क्यों लेना भाई, क्या ज़रूरत है, टिकट बुक क्यों करवानी, जब आपको जाना है तो टिकट आप एडवांस में जमा कर बुक करवाते हो तो रिफंड तो होगी नहीं, टिकट ले सकते हो, अभी टिकट जो मिल रही है 40,000-30,000 की वो बाद में मिलेगी आपको 15,000 की, तो क्यों आप नुकसान कर रहे हो। वैक्सीन आपको पता है वैक्सीन का तो भाई कोई सिस्टम है ही नहीं, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाओ इंडिया में, सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे फ्लाइट स्टार्ट होती है आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के इतना कोई मुझे नहीं लगता कोई अच्छी वाली न्यूज़ है, बाकी जैसे आ रही है हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखें वीज़ा और विजिट वीज़ा और टिकट वाला वो एक बार न लें, वरना पैसा अकाउंट सरकार के अकाउंट में जाना है, आपको कुछ नहीं मिलना है, समझ गए होंगे मेरी बात को। और कोई नई अपडेट आती है तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।